नमस्कार। गए कई सालों से सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस cjp.org.in ने लगातार कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ रिश्ता बना रखा है। जो 800 परिवार कश्मीरी पंडितों के परिवार कश्मीर वादी में रहते हैं, उनके साथ हमारी खास एक रिश्ता बना है। दिवाली का मौसम है, त्यौहार का मौसम है, तो हमने सोचा कि चलिए संजय टिक्कू जी से बात करें, जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं और अक्सर जो वहाँ के 800 परिवारों के सुख और दुख के बारे में हमें जानकारी देते रहते हैं। संजय जी नमस्कार। आप और अन्य परिवारों ने, कश्मीर पंडितों के परिवारों ने कश्मीर में रहने का इरादा क्यों पक्का किया? सबसे पहला प्रश्न जो है कि हम यहाँ पे क्यों रहे, टू बी फ्रैंक अनफ कि इन 27-28 सालों में हम ये ढूंढ रहे हैं कि अगर लगभग 77,500 फैमिलीज यहाँ से चली गई, तो ये 808 फैमिलीज जो यहाँ पे अभी भी रह रहे हैं हमारे साथ, जैसे कि मैं एक फैमिली हूँ, तो अभी भी इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ रहे हैं। तो अभी इस पे कोई ऐसा कमिट नहीं होगा कि जिससे कि हम कहें लोगों से कि हम क्यों रहे यहाँ पे, तो इस प्रश्न का जवाब अभी भी हम ढूंढ रहे हैं। जी ठीक है जी, ठीक है। आप हमें जरा हमारे दर्शकों को बता सकेंगे कि वहाँ के त्योहारों को, कश्मीरी पंडित जो वहाँ त्योहार मनाते हैं, वो त्योहारों में, त्योहार को मानने में, मनाने में अलग अलग सालों से क्या क्या फर्क आने लगा? और दूसरी बात कि 2007 में आपने पहली बार वहाँ पे दशहरा मनाना शुरू किया, इसके पहले वहाँ दशहरा क्यों नहीं मनाया जाता था, आप हमें बता सकते हैं क्या? अब 2007 से हम दशहरा बना रहे हैं, लेकिन 2008 में हालातों की वजह से, 2010 में हालातों की वजह से, 2014 में या 2016 में, एक तो हालात की वजह, 2014 में जो सैलाब आया था उन्हीं दिनों में, एक महीने पहले आया था, तो हम नहीं बना पाए। लेकिन इस साल ना सैलाब की वजह से, ना सिक्योरिटी स्नैरो की वजह से, आज हमने दशहरा इसलिए नहीं बनाया। एक तो ये दुनिया को नहीं, अपनी भारत सरकार को और जो हमारी सरकार जो यहाँ पे है, क्योंकि जो सरकार आज की डेट में सरकार चला रही है, जब ये अपोजिशन में थे तो इन्होंने ही दो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स बनाए थे उस समय जब यूपीए गवर्नमेंट थी, कि यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू जो रह रहे हैं अभी भी, उनकी हालत पैथेटिक है, इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। लेकिन जब ये पावर में आ गए, क्योंकि पावर में उन दिनों जो इसका हेड था वो बीजेपी का ही, उस पार्लियामेंट डेलीगेशन के हेड सुबह करते थे और बाकी पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज के वो उसमें सदस्य हुआ करते थे, तो कम से कम इन दो रिपोर्ट्स में कम से कम चार पाँच दो पेज का हमारा ही उसमें लिखा है कि कश्मीर में अभी भी कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, जिन्हें कभी पलायन नहीं किया, उनकी हालात बहुत ख़राब है, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ही संजीदा से लेना चाहिए, ताकि वो अपने जो एक्सिस्टेंस है वो स्ट्रांग हो जाए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली। लेकिन जब ये आ गए बीजेपी वाले, जब यहीं आ गए, तो ये हमें अभी तक 4.5 साल हो गए कि इन्होंने वही पार्लियामेंट्री रिपोर्ट जो उन्होंने खुद बनाई थी, उसी को आप उन्होंने डस्टबिन में एक तरफ से डाल दिया। तो एक तो वो चीज़ है, दूसरी चीज़ ये हुआ कि हमने पिछले 6-7 महीनों से हम ये कोशिश कर रहे थे कि हमने बहुत सारी चिट्ठियाँ भी लिखी, क्योंकि गवर्नर राज हैं आज की डेट में, और जो प्रेजेंट गवर्नर, जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया 7 दिन के बाद, हमने इनको कम से कम ईमेल करके, पोस्ट करके 10-12 बार ये रिक्वेस्ट की कि हमें अपने बिजनेस शुरू से कुछ थोड़ा सा समय दीजिए, दो चीज़ों के बारे में हमें ज़रूरी आपसे बात करनी है। एक तो जो रिहैबिलिटेशन पीएम्स रिटर्न रिहैबिलिटेशन, उसके बारे में बात करनी है, जिसमें हम भी शामिल हो जाएं, तो उसमें क्या क्या हर्डल्स आ जाते हैं ब्यूरोक्रेट की तरफ से, या कुछ लोग जो हमारी एग्जिस्टेंस को आज की डेट में पॉलिटिकली
मिसयूज भी करते हैं, एक तो वो था, और दूसरी बात ये थी कि जब भी हमने जो भी हमने यहाँ पे दशहरा 2007 से बनाया, सो वी ऑलवेज ट्राई टू मीट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हुए या गवर्नर होते थे, लेकिन उन्होंने हमें समय नहीं दिया। ये समय क्यों नहीं दिया ये अभी तक हमें मालूम नहीं है। तो इसको जितलाने के लिए कि जब हम दशहरा बनाते हैं तो ये फिर अपने असेंबली में, कि 2010 में जब हमने 2011 में जब हमने दशहरा बनाया, क्योंकि 2010 में इतने हालात ख़राब थे कश्मीर में, तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला, तो उन्होंने असेंबली में ये कहा कि आप क्या कह रहे हो कि हालात ख़राब है कश्मीर में, ये मार्च 2012 की बात है, क्योंकि 2011 में हमने बनाया था। तो उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे दशहरा बनाया, जैसे कि वो खुद थे वहाँ दशहरा ग्राउंड में और उन्होंने ही सारा कुछ, लेकिन हमारा दशहरा बनाने जो हमने बनाया था उस समय, तो ये भी उसमें वो जो एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश करते थे हमेशा। सुरक्षा को लेकर वहाँ पे कश्मीर वादी में, सुरक्षा को लेकर वहाँ पे कश्मीर वादी में कश्मीरी पंडित भाई बहनों का क्या हालचाल है? सिक्योरिटी सिनेरियो के बारे में ये है कि ये तो अपने माइंड की ही बात होती है, जब सिक्योरिटी की बात आ जाती है, ये अपने एक आदमी या एक परिवार के लिए अपना एक डिसीजन होता है कि वो सिक्योर है या इनसिक्योर है। लेकिन जिस हिसाब से जो हालात अभी भी कश्मीर में हैं, तो उस वजह से सारे सिक्योर भी हैं और इनसिक्योरिटी भी सबके माइंड में है। तो हालात के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड होता है कि एक इंसान या एक समुदाय और जो भी मतलब एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जो होती है, वो उसी हालात के मद्देनज़र ही अपने आप को सिक्योर या इनसिक्योरिटी महसूस करती हैं। तो वही हाल आज की डेट में भी जो कश्मीर में जो चल रहा है पिछले स्पेशली 2008 से लेकर आज तक, तो उसी के ऊपर सिचुएशन, ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर ही एक आदमी, एक समुदाय, एक परिवार अपने आप को सिक्योर या अनसिक्योर समझता है। जी संजय जी, और एक बात पूछनी थी आपसे कि वहाँ पे सारे देश में तो दिवाली मनाई जाती है, तो वादी में दिवाली किस तरह मनाई जाती है? हर एक त्यौहार जो हम मनाते हैं, चाहे ईद हो, दिवाली हो, शिवरात्रि हो, वो हमेशा रिलेटेड होती है अपनी कम्युनिटी के साथ। सो जब हम 90s से पहले जब मैं नज़र डालता हूँ, तो उस समय जो हम त्यौहार बनाते थे, उसमें ये लगता था कि एक समुदाय है कश्मीर में जो कि ये त्यौहार मनाते हैं, और उस त्यौहारों से क्या होता था, जो मेजॉरिटी के भी लोग थे वो भी शामिल हो, उनको भी पता चलता आज दिवाली है। दिवाली कुछ दिनों के बाद है आज की डेट में, लेकिन अगर आप पूछेंगे यहाँ के जो मेजॉरिटी है कि दिवाली कब है, उनको पता भी नहीं होगा आज की डेट में। तो जब 808 फैमिलीज हैं टोटल कश्मीर में, और वो भी लगभग 300 जगहों पे रहती हैं, तो अगर एवरेज निकालें तो दो ढाई के करीब फैमिलीज एक मोहल्ले में रहती हैं आज की डेट में। तो जो वो आनंद होता था वो आज की डेट में नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि KPSS का यही माना कि हम यहाँ पे पिछले 8-9 सालों से दिवाली मिलन भी करते हैं, जहाँ पे हम अपने समुदाय के लोगों को बुलाते हैं, मंदिरों में हम इसका कार्यक्रम करते हैं, या यहाँ पे एक जगह है लाल चौक, वहाँ पे करते हैं, ताकि दूसरे समुदाय के लोग भी जब वो ईद मनाते हैं तो बड़ा खुशी का एक माहौल होता है, सब घरों में चर्चा होती है। लेकिन जब हमारे त्यौहार जो कश्मीर में हम मनाते हैं, तो उसमें वो ऐसी चर्चा नहीं होती है। और उसी के साथ साथ कि हम ये आज की डेट में कोशिश करते हैं कि जितनी भी त्यौहार हैं जो हम एक समुदाय के हिसाब से हम इकट्ठा बना सकते हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं कि इकट्ठा बना ले,
ताकि जितने भी परिवार यहाँ पे हैं अपने अपनी गांवों में हैं शहरों में, तो उनको लगे कि वो आइसोलेटेड जोन में आइसोलेटेड टाइम में नहीं, मतलब वो नहीं बना सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि स्पेशली जो हमारे यूथ जो है, जिन्होंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि जब हम 90 में, जब हम 90 से पहले जब हम दिवाली मनाते थे, तो मेरे मोहल्ले में कम से कम 32 फैमिलीज कश्मीरी पंडित रहती थी, और आज की डेट में एक ही फैमिली जो हमारी फैमिली है। तो जब वो पटाखे जलाते थे या 90 से पहले या दिए जलाते थे, तो एक लगता था कि हमारा मोहल्ला एक दुल्हन की तरह दिख रहा था। लेकिन आज की डेट में जब हम दिवाली बनाते हैं, तो एक घर में वो रोशनी होती है या दिए जलते हैं, बाकी बाकी जो दाएं बाएं के जो हमसाया है, नेचुरली वो दूसरे समुदाय से है, तो वो दिवाली नहीं बनाते हैं। तो उस समय हमें लगता है कि हम किसी उस पृथ्वी के उस जगह पर रहते हैं जहाँ दाएं बाएं कोई नहीं है, खाली हम बैठे हैं और हम अपना त्यौहार मनाते हैं। तो हमारा आज की डेट में यही कोशिश रहती है कि हम इकट्ठा बनाएं, और जो समुदाय, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनको भी ये समझाने की कोशिश करें कि जब आप ईद बनाते हो तो तब आप जिस तरह से आप बनाते हो, या जब जिस तरह से सरकार उन दिनों जो जो अरेंजमेंट करती हैं, तो वैसे ही आज की डेट में जितनी भी जो हमारे त्यौहार हैं वो उस ढंग से बनाया जाए। तो यही हमारा हमेशा मैसेज भी रहता है। लेकिन जो आनंद, जिसको आनंद कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि हाँ आज हमने दिवाली बनाई किसी खौफ के बगैर, किसी डर के बगैर, वो अभी हम 28 साल से नहीं बना पा रहे हैं। और ये रहेगा हमारे आपके लिए आखिरी सवाल, ये अगले नया साल के लिए आपको और कश्मीरी पंडित भाई बहनों की सबसे मतलब गहरी मनोकामनाएं क्या है? वैसे तो नए साल में अभी 2 महीने हैं, अगर नए साल हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देख लिया जाए, तो एक जो अभी जो चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, कश्मीर में, भारतवर्ष में अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं, तो किस करवट ऊंट बदलेगा ये तो अभी पता नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो मनोकामना है वो यही है कि हम 27 साल अपने रिश्तेदारों को, अपने समुदायों को इंतज़ार कर कर के, अपनी आँखों को खोल कर कि अभी कोई ना कोई आ जाएगा, रिश्तेदार आ जाएगा, अपने घर में वापस आ जाएगा, तो वो हमें नहीं लग रहा है। तो अगले साल मनोकामना यही है कि ये 808 फैमिली जो हमारे जो परिवार है, हमें हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जगह दीजिए ताकि हम सुख शांति से जिए और मरे। तो ये रही हमारी बातचीत संजय टिक्कू जी के साथ, और हम बातचीत इनके साथ करते रहेंगे, कश्मीर पंडित भाई बहनों के साथ करते रहेंगे, विनंती भी करते रहेंगे बाकी लोगों से भारत में कि हमारे वहाँ के वादी में रहने हुए जो 800 परिवार हैं उनके साथ संपर्क बनाए रखें, उनके साथ आप हमदर्दी बनाए रखें, और न सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ मगर बाकी लोगों के साथ भी जो वादी में रहते हैं, क्योंकि हमारा जम्मू एंड कश्मीर में परिस्थिति बहुत ही नाजुक है, और वो नाजुक परिस्थिति में हमें मानव अधिकार का उल्लंघन भी हम देख रहे हैं, और उस तरह हमें हमदर्दी जताना बहुत ज़रूरी है।